मध्य प्रदेश पहले बीमारू राज्य था, BIMARU, BI से बिहार, उसमें जो एम था वो मध्य प्रदेश का था और राजस्थान और उत्तर प्रदेश ये बीमारू राज्य माने जाते थे। मध्य प्रदेश को ढूंढते थे, अगर हम कहीं कहते थे मध्य प्रदेश तो बोलते थे ये है कहां, अगर जानते थे तो केवल भोपाल गैस ट्रेजडी के कारण मध्य प्रदेश जाना जाता था। लेकिन आज मैं फक्र से कह सकता हूं वो राज्य जो कभी पिछड़ा था, बीमारू था, आज वो ग्रोथ के मामले में हिंदुस्तान का नंबर एक का राज्य है। हम नंबर वन है ग्रोथ रेट, लास्ट ईयर भी हम नंबर वन थे, बिफोर लास्ट ईयर भी हम नंबर वन थे। और एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट की बात आपके सामने हुई, अचानक विश्वास नहीं होता कि लगातार 4 साल तक 20+ की ग्रोथ रेट हासिल करना, केवल भारत में नहीं दुनिया में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट के मामले में मध्य प्रदेश नंबर वन स्टेट है। जब मैंने टेक ओवर किया था तो सड़कें थी मध्य प्रदेश में, गड्ढों में सड़क है कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढम गड्ढा है कुछ पता ही नहीं चलता था। हमने 1.25 लाख किलोमीटर सड़कें बना के मध्य प्रदेश में तैयार की। मुझे लगा इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी है, उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। हमने सड़कों का जाल बिछाया मध्य प्रदेश में, 2-2, 3-3 घंटा विलेजेज में, इवन राजधानी में भी बिजली कटौती होती थी। जब मैं मुख्यमंत्री बना तो केवल हमारे पास 2900 मेगावाट बिजली की उपलब्धता थी और आज ये बढ़कर हो गई है 15,000 मेगावाट। एग्रीकल्चर ग्रोथ का अगर रहस्य कोई पूछे तो मध्य प्रदेश में 7.5 लाख हेक्टेयर जमीन इरिगेटेड थी, आज केवल 7 साल में हमने उसको बढ़ाकर कर दिया 36 लाख हेक्टेयर और आने वाले समय में हम करेंगे 60 लाख हेक्टेयर। हमने छोटे डैम, बड़े डैम, मध्यम डैम, चेक डैम, स्टॉप डैम, बोरी बंधान और माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो ड्रीम प्रोजेक्ट था रिवर लिंकिंग का, उसको साकार किया है। तो मध्य प्रदेश की धरती पर मुझे मालवा में पानी देना था क्योंकि मालवा रेगिस्तान बन रहा था, अंडरग्राउंड वाटर का लेवल 1000-1000 फीट नीचे चला गया था और कोई तरीका नहीं था कि हम नर्मदा के पानी को लिफ्ट करें और छिपरा में डालें। हमने 350 मीटर लिफ्ट किया और 90 किलोमीटर दूर छिपरा में डाल दिया, नर्मदा और छिपरा एक हो गई। और अब केवल छिपरा में नहीं, अब नर्मदा को गंभीर से जोड़ने पर हमारा काम तेजी से चल रहा है, फिर काली सिंध को जोड़ेंगे, पार्वती को जोड़ेंगे और 16 लाख एकड़ में सिंचाई की व्यवस्था, 72 शहरों में ड्रिंकिंग वाटर, 3000 गांवों में ड्रिंकिंग वाटर और इंडस्ट्रियल वाटर की कोई कमी नहीं रहेगी। और केवल नर्मदा छिपरा नहीं, अब कैन बेतवा जोड़ने के प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, जिन नदियों में ज्यादा पानी उनके पानी को उठा के हम उन नदियों में डाल रहे हैं, उन इलाकों में ले जा रहे हैं जहां पानी की कमी है। पानी के क्षेत्र में चमत्कार हुआ है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश खाद्यान्न के उत्पादन में फिर नंबर वन है। हमको जब यूपीए की सरकार थी तब वो भी कृषि कर्मण अवार्ड देती थी जो खेती में एक्सलेंट परफॉर्मेंस के लिए दिया जाता है, और अब मोदी जी की सरकार है तो वो भी हमको कृषि कर्मण अवार्ड दे रही है। कल मोदी जी मध्य प्रदेश के सीहोर में आ रहे हैं और फिर मध्य प्रदेश को कृषि कर्मण अवार्ड दे रहे हैं।